जॉय हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक पर अभिभावक को गोली मारने की धमकी का आरोप। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर के विजयनगर स्थित जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल लंबे समय से विवादों के कारण चर्चा में रही है और इस बार फिर इस प्राइवेट स्कूल के संचालक अखिलेश मेबिन की अभद्रता सुर्खियों में है। स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र देव पटेल के पिता सतीश ने स्कूल संचालक अखिलेश मेबिन के खिलाफ विजयनगर थाने में गोली मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल पूरा मामला छात्र की फीस जमा न होने और परीक्षा से वंचित करने के बाद टीसी न देने से जुड़ा हुआ है। सतीश ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था और वर्ष 2021 में फीस के विवाद के चलते स्कूल संचालक ने उसके बेटे को परीक्षा से वंचित कर दिया। बेटे का एक साल उसका खराब होने के कारण जब उन्होंने बेटे की टीसी निकलवाने के लिए स्कूल प्रबंधन से बात की तो उन्होंने टीसी देने से इनकार कर दिया। सतीश बीते 3 महीनों से बेटे की टीसी के लिए स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए संचालक अखिलेश मेबिन ने उन्हें बात करने के लिए स्कूल बुलाया था। 6 मई को सतीश जब स्कूल पहुंचा तो एक बंदूकधारी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें लेने के लिए स्कूल के गेट पर आया। इसके बाद गार्ड ने उन्हें अखिलेश मेबिन से मिलवाया। थोड़ी देर सामान्य बातचीत करने के बाद अखिलेश मेबिन ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो मेबिन ने उनके साथ गाली गलौज की और अपने गार्ड को निर्देश दिए कि यदि यह स्कूल के आसपास नजर आए तो इन्हें गोली मार देना। जबलपुर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। तो देखिए सतीश पटेल ने क्या कहा। जॉय स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है और 10th क्लास के बाद 11th क्लास उसको कंसीडर नहीं किया वहाँ के डायरेक्टर ने, और कुछ फीस और बाकी चीज़ों का मुद्दा बना के उसको एग्ज़ाम नहीं देने के उसका साल ख़राब किया। और मेरे द्वारा जब बात की गई तो पहले भी मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। उसके बाद दोबारा वो मुझे टीसी नहीं दे रहे थे। फिर मैं अपने मित्र के साथ गया तो उन्होंने 5 तारीख को वो मिले नहीं। फिर 6 को वहाँ से 5 को फ़ोन आया कि 6 को आपको सर ने बुलाया। हम 6 तारीख को अकेले मिलने गए थे उनसे, क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो जग जाहिर है और मैं भी उनके व्यवहार से बहुत ही अच्छे से परिचित हूँ, इसलिए मैंने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी। और उन्होंने मुझे ऑफिस में बैठा के पहले नॉर्मल बात की, उसके बाद उनकी अभद्रता चालू हुई। उन्होंने मुझे भरपूर गालियाँ बकी और अपने गार्ड को बुला के मुझे गोली मारने की धमकी दी है, जिसके साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं रिकॉर्डिंग के तौर पे। और गार्ड को स्पष्ट तौर से कहा है कि इसको जहाँ ये जब भी इधर दिखे इसे गोली मार देना। और इसके कारण मेरा परिवार बहुत टेंशन में था। 3 दिन पहले ये कांड हुआ, 3 दिन तक हमने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई टेंशनों में, लेकिन अभी भी उनके द्वारा मेरे घर का एड्रेस खोजा जा रहा है। उनके लोग मेरा घर के आसपास मेरा पता पूछ रहे हैं, मेरे मित्र को, मेरे बेटे के मित्रों को फ़ोन करके पता पूछा जा रहा है कि ये कहाँ रहते हैं। और हमें बहुत टेंशन है। और उनके पास गन है, लाइसेंस गन है, जो वो बात बात पे निकाल लेते हैं साहब। लोग बोलते हैं उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अगर उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो प्रशासन ने उनको लाइसेंस क्यों दिया हुआ है। जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसके संचालक अखिलेश मेबन जी हैं और जिनके द्वारा ये किया हुआ है। अभी मैंने थाना विजयनगर में आवेदन दिया है और पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले में वो उचित कार्रवाई करें संज्ञान में लेते हुए। विजयनगर जॉय सतीश पटेल।